हाय विमान, आपका क्वेश्चन है पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या है, इसके विभिन्न चरण लिखिए। तो पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या होता है? विकासशील पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद विभिन्न समुदायों में अस्थायी समुदाय वाले पारिस्थितिक तंत्र की स्थापना होने तक परिवर्तन होता रहता है, जो मुख्यतः जैविक कारकों, जलवायवीय कारकों, मृदीय कारकों तथा अन्य पर्यावरणीय कारकों को क्रियाशीलता के कारण होता है। यह परिवर्तन तब तक चलता रहता है जब तक कि जीवों को एक ऐसा वर्ग स्थापित ना हो जाए जो उस वर्ग में सफलतापूर्वक रह सके एवं जनन कर सके। इसे जैविक अनुक्रमण या पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। अनुक्रमण की क्रिया निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है, ठीक है। पहला, मंडलीकरण। किसी नए क्षेत्र में दूसरे जगहों से प्रवर्धकों जैसे बीज, बीजाणु या प्रव्रजन संबंधी संरचना के आगमन को हस्तांतरण कहते हैं, जिसके कारण मंडलीकरण की प्रक्रिया होती है। यह अनुक्रमण में होने वाली सबसे पहली अवस्था है। दूसरा, अस्थापन। स्थानांतरण के बाद बीज का बीजाणु अंकुरण कर वृद्धि एवं स्वयं को वातावरण से के अनुकूल बनाते हैं। यह प्रतिक्रिया स्थापन कराती है। तीसरा, समुच्चयन। स्थापन के बाद पौधों में पुष्पन, फल निर्माण एवं बीजों का उत्पादन होता है। यह बीज अंकुरित होकर उसी स्थान पर पौधों की वृद्धि करते रहते हैं, जिससे समष्टियों का समुच्चयन होता रहता है, ठीक है। चौथा, प्रतिस्पर्धा। तो प्रतिस्पर्धा ये क्या होता है जी, आइए समझते हैं। देखिए, समुच्चय के फलस्वरूप एक जाति के आबादियों के बीच एवं विभिन्न जातियों के बीच प्रतिस्पर्धा सीमित संसाधन के विभिन्न घटकों के उपयोग के लिए होने लगते हैं। जो जीव प्रतिस्पर्धा में सफल नहीं होते वे धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। प्रतिक्रिया, पचमा है प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन। तो जीवों के समुदाय एवं उसके वास स्थान में मौजूद वातावरणीय कारकों के बीच होने वाली क्रियाओं को ये प्रतिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। छठा है अस्थायीकरण, स्टेबलाइजेशन। तो उपर्युक्त प्रतिक्रियाओं के कारण होने वाले परिवर्तन से वहाँ पर पूर्व से उपस्थित पौधों का जीवित रहना मुश्किल हो जाता है, अतः वे समाप्त होने लगते हैं एवं उनके स्थान पर नए पौधे आने लगते हैं। तथा वह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि उस स्थान पर चरम वनस्पति का विकास न हो जाता है। अनुक्रमण का अंत चरम समुदाय का स्थायित्व कायम हो जाने से होता है, जिसे अस्थायीकरण कहते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।